अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो प्लगइन के ऊपर है कि प्लगइन जो है हम कब इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्डप्रेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट के लिए हम कब जो है प्लगइन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्लगइन है वो तब हम अपनी वर्डप्रेस के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर तब हम इंस्टॉल करते हैं, तब हम इसका चूज़ करते हैं प्लगइन का, जब कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो हमारी वर्डप्रेस के अंदर या हमारी वेबसाइट के लिए जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए हम कोई भी एक प्लगइन को चूज़ करते हैं, हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। तो कोई भी जो प्लगइन है, क्योंकि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर भी जब आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको किसी भी एक जो है स्पेसिफिक काम के लिए आपको हज़ारों प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर भी हज़ारों प्लगइन्स पड़े हुए। तो कैसे हम कोई एक प्लगइन जो है हम चूज़ करते हैं कि ये प्लगइन हमारी जो वेबसाइट के लिए, ये जो हमारे काम के लिए, ये वाला प्लगइन हमारे लिए सबसे बेस्ट है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। मिसाल के तौर पर हमने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म का हमने कोई प्लगइन जो है हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है, तो हम देखेंगे कि इसको हमारे सामने बहुत सारे प्लगइन्स होंगे जो हमारे सामने डायरेक्टरी के अंदर शो हो जाएंगे, तो उनमें से हमने कौन सा प्लगइन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन सा हमने चूज़ करना है। तो चलें स्क्रीन की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्लगइन है जो हम जब हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करना होता है तो हम कैसे चूज़ करते हैं किसी भी प्लगइन को कि कौन सा प्लगइन हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज हमने चेक करना है कि हम कोई भी प्लगइन जो है अपनी वेबसाइट के लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं, जो क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के रिलेटेड हम कोई प्लगइन जो है हम सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे पास तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ थीम्स जो हैं प्लगइन्स जो हैं हमारे पास सामने शो हो जाते हैं। तो इन सब प्लगइन्स में से हमने कैसे कोई हमने अपने लिए बेस्ट प्लगइन जो है हमने चूज़ करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाके सर्च कर लेंगे कि हमें कौन सा प्लगइन चाहिए। फ़र्ज़ करें हमें अपनी वेबसाइट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक प्लगइन चाहिए, तो हम उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर हम सर्च कर लेंगे उसको। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये देखें बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे हैं जो कि हमारे पास सामने शो हो जाएंगे। तो हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि हमको कौन से वाला प्लगइन जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो हमने सबसे पहले जो है उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन चेक कर लेनी है कि उसकी एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी है। जैसे कि इसकी 5 मिलियन प्लस जो है इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ये इसकी 5 मिलियन प्लस है, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ें हमने चेक कर लेनी है। तो उसके बाद जो है हम ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है हम इसके ऊपर हम क्लिक करके हम इसको डिटेल के साथ चेक कर लेते हैं। तो उसका वर्जन जो है हमने सबसे पहले चेक कर लेना है, उसका 5.9.3 जो है वर्जन के साथ वो चल रहा है इस वक्त, और इसकी जो लास्ट अपडेट्स हैं वो कब होती हैं, हमने सबसे पहले ये चीज़ें भी चेक करनी होती है, उसकी जो एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है, उसके बाद हमने चेक करना होता है कि वो लास्ट अपडेट कब हुआ था। तो ये 1 डे एगो है तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो वर्डप्रेस वर्जन जो है 6.3 और हायर से 6.3 वर्जन जो है वर्डप्रेस का वो उसको ये सपोर्ट करता है, और अप टू जो है ये तकरीबन उससे हायर जितना भी सबको सपोर्ट करके उससे जो पीछे है उसको ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो टेस्टेड अप टू जो है 6.5 वर्जन तक जो कि अभी करंट चल रहा है उसके साथ, मतलब कि ये चल रहा है, उसके बाद इसका वर्जन कौन सा है 7.4 और हायर है। लैंग्वेज इसके अंदर तकरीबन 68 लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं, 68 लैंग्वेज के अंदर ये आप इसको मतलब कि कन्वर्ट अप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी हमने रेटिंग चेक कर लेनी है, कितनी इसकी टोटल रेटिंग है, और इसकी जो बैड रेटिंग है इसकी जो नेगेटिव के अंदर आई है वो किस वजह से आई है वो भी हमने चेक कर लेनी है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव रेटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो 5 स्टार रेटिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है हमने इसका सपोर्ट फॉर्म चेक कर लेना है कि कितने जो हैं इसके अंदर एरर आए हैं, कितने इसके अंदर इश्यूज़ हुए हैं, तकरीबन टोटल जो है 338 जो हैं इशू इसके अंदर जो क्रिएट हुए हैं। उसके बाद 1111 जो है इन्होंने इसके जो इश्यूज़ हैं रिजॉल्व किए हैं, यानी कि इनकी जो सपोर्ट फॉरम है वो भी काफ़ी अच्छा है, अगर कोई इशू इसके ऊपर आ जाता है तो वो जल्दी इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है हमने इस चीज़ की चेक कर लेनी है, इसके हमने ये जो उसके लोगों के इसके ऊपर रिव्यूज़ आए होते हैं वो भी हमने चेक कर लेने होते हैं, यहाँ पर इसके रिव्यूज़ आ जाते हैं, उसके लोगों ने अगर बैड रिव्यूज़ दिए हैं इसको तो वो रिव्यूज़ क्यों दिए हैं, क्योंकि ऐसे इसने 2 स्टार रेटिंग दी है तो इसने क्यों दी है। तो उसके बाद हमने ये सारी की सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से ये चेक कर लेनी है। तो ये इंस्टॉलेशन जैसे कि हमने बात की एक्टिव इंस्टॉलेशन की, तो यहाँ पर एक्टिव इंस्टॉलेशन यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट आ जाती है, तो ये चीज़ें हम चेक करने के बाद हम कोई भी प्लगइन जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है बहुत अच्छा प्लगइन है, तो ये हम इसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।